व्हाट्सअप गाइज, सो व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सब। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पतंग की टेपिंग हम किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से नहीं करते, ताकि आपकी पतंग इधर उधर की तरफ ना जा करके सीधे हवा से बात करे। क्योंकि बहुत से भाइयों को पता नहीं होता कि हम पतंग की टेपिंग किस तरीके से करें, किस तरीके से ना करें, ठीक है। अगर आपको गाइज एक्चुअली में क्लब काइट फाइटिंग जैसी ही पतंग चाहिए, तो आज मैं आपको सिंपल पतंग से बताऊंगा कि इस पतंग से हम टेपिंग किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से हम क्लब काइट फाइटिंग वालों की तरह पतंग हम उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हम पतंग की टेपिंग कैसे करें, ठीक है। सो गाइस, मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसमें हम पतंग की टेपिंग कैसे करें, काइट क्लब फाइटिंग वालों की पतंग की तरह हमें पतंग कैसे बनानी है, कैसे नहीं बनानी, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ से मैं इसके ऊपर मत जाना, फोकस, इसके ऊपर मत जाना, क्योंकि ये यहाँ से फट रही थी पतंग, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले टेप लगा दी थी, ठीक है। और ये टेप जो है, आपको अगर क्लब काइट फाइटिंग जैसी पतंग चाहिए, जैसे जैसे मैं स्टेप आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे स्टेप मैं आपको फॉलो करवा रहा हूँ, तो ऐसे ही स्टेप आपको इस पर फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर टेपिंग कर देनी है इस साइड में, ऐसे इस तरह में इस यहाँ पर टेपिंग कर ली। अगेन टेपिंग आपको कहाँ करनी है मैं वो बताऊँगा आपको, ठीक है गाइस। दूसरी टेपिंग आपको यहाँ पर करनी है, यहाँ पर इस साइड पे करने का, ये इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से आप यहाँ पे टैपिंग कर दो, यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई। अब कहाँ पे करनी है, थर्ड टैपिंग आपको गई यहाँ पे करनी है, यहाँ पे, यहाँ पे आपको एक चोंच सी बना देनी है पतंग की, ऐसे, और यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करने पे एक पतंग की यहाँ पे ऐसे चोंच सी बना देनी है, ठीक है, जिससे आपकी पतंग तीर के समान ऊपर जाएगी और खींच के लिए भी बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद साबित होगी, ठीक है। फोर्थ टेपिंग कहाँ पे करनी है गाइज आपको, फोर्थ टेपिंग करनी है गाइज आपको यहाँ पे, कन्ने के यहाँ पे करनी है फोर्थ टेपिंग। आप यहाँ पे आपको चिपका देने हैं, ताकि आपके कन्ने आगे पीछे ना हो और आपकी पतंग बिल्कुल आपके ही हाथ पे, एकदम हाथ के इशारों पे चले, ठीक है। फिफ्थ टेपिंग गाइज कहाँ पे करनी है आपको, फिफ्थ टेपिंग करनी है आपको इस साइड में, यहाँ पे, ठीक है। सेम गाइज आपको यहाँ पे करनी है, ये हो गई आपकी यहाँ पे, ठीक है। अब आप देख सकते हो पतंग को, ये एक क्लब काइट फाइटिंग वालों की तरह आपकी पतंग बन चुकी है, लेकिन अभी ये प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। अगर आप वीडियो स्किप करके देख रहे हो भाई, कुछ समझ में नहीं आने वाला, नॉलेज बिल्कुल आपकी अधूरी रह जाएगी। अभी आपको इसमें दो स्टेप और करने हैं, जो कि आपको एक परफेक्ट लुक देगी काइट क्लब फाइटिंग की तरह, ठीक है। तो वो दो स्टेप क्या है, वो दो स्टेप गाइज ये है, मैं आपको बता देता हूँ, वो दो स्टेप है गाइज, यहाँ पे आपको ये टेप चिपकाना है, ठीक है। मैं उसका रीज़न बताऊँगा बाद में क्यों। और नेक्स्ट स्टेप है गाइज, सेम जैसा आपने यहाँ पे चिपकाया, सेम एज यहाँ पे आपको यहाँ पे भी कवर करना है, ठीक है। और यहाँ से ऐसे चिपका के इसको मोड़ देना है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, ये आपकी जो एक परफेक्ट लुक वाली पतंग बन चुकी है, जो कि एक आपको काइट क्लब फाइटिंग का एक अलग ही मज़ा देगी। अगर आप मेहनत रही, अगर पतंग उड़ा पतंगबाजी करना चाहते हो, पतंग के सही मजे लेना चाहते हो, तो भाई एक काइट क्लब फाइटिंग वालों की तरह पतंग बनाओ, इस तरीके से टैपिंग करो, और आपको फिर उड़ा के देखना भाई कितना मज़ा आने वाला है, कितना नहीं, आप एक अलग ही अंदाज महसूस करोगे उस पतंगबाजी में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने यहाँ पे टेपिंग क्यों करी गाइस। सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे टेपिंग करने का मतलब ये है कि जब हवा तेज़ चलती है, तो ये हवा, जब गाइस हवा तेज़ चलती है, तो ये जो यहाँ के तिल्ले जो होते हैं ना, वे थोड़े से कम मजबूत होते हैं, तो हवा इनमें फोर्स नहीं कर सकती, ताकि आपकी पतंग जैसे कि ऐसे बूचा हो जाती है, इस तरीके से बूचा हो जाती है जब हवा तेज़ चलती है ना, तो इसलिए यहाँ पे टेपिंग करनी जरूरी है। जब हवा तेज़ चलेगी और आप यहाँ पे टेपिंग नहीं करोगे, तो भाई आपकी पतंग ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे टेपिंग इसलिए करी है क्योंकि आपकी पतंग काफ़ी मजबूत रहे और आपके इशारों पर चले, ठीक है। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो काइट क्लब फाइटिंग जैसी काइट की एक तरीके से आपको भरपूर मज़ा देने वाली काइट टेपिंग। तो ये था एक छोटा सा आपको बताने का भी काइट टेपिंग हम किस तरीके से करें, किस तरीके से ना करें। तो भाइयों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो वाकई में पसंद आया ना, तो भाई वाकई में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो भाई सो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज, ठीक है। अगर वाकई में आपको गाइज ये इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए ब्लॉग पर, तब तक गाइज चैप करते।